दिल्ली का हॉन्टेड खूनी दरवाजा। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारशिकोह को मरवाकर इसी दरवाजे पर लटकवाया। अब्दुल रहीम खाने खाना के दो बेटों की यही हत्या कर उनको लटकाया गया। जनरल विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के तीन शहजादों को यही गोली मारी। नादिर शाह ने कत्लेआम किया तो यह दरवाजा भी खून से लाल हो गया। खूनी दरवाजे का इतिहास और कहानी किससे जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ खूनी दरवाजा दिखाने के लिए। दिल्ली मेट्रो की बैंगनी रंग की लाइट से आएं और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएं तो समझिए कि आप चहलकदमी करते हुए वहाँ पहुँच ही जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेरी गेट आसफ अली रोड होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। और यदि आप पुरानी दिल्ली या बस अड्डे से आ रहे हैं तो लाल किला और जामा मस्जिद का व्यू देखते हुए बस, ऑटो या टैक्सी से यहाँ 10 से 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। और यदि पुरानी दिल्ली की गलियों से होकर आएंगे तो गालिब याद आ जाएंगे, कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। दोस्तों, मैं अपने पुश्तैनी घर नई सड़क से चला और चावड़ी बाज़ार, बड़शाह बुल्ला और जगत सिनेमा होते हुए 10 मिनट में ही मैं खूनी दरवाजे के पास पहुँच गया। दोस्तों, सैकड़ों साल पुराना खूनी दरवाज़ा, जिसे कभी काबुली दरवाजे के नाम से भी जाना जाता था, इससे जुड़ी न जाने कितनी कहानियां हैं जो रहस्यमय होने के साथ साथ हमें रोमांच से भी भर देती हैं। यदि आप इसके इतिहास और कहानियों को जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसकी पहली कहानी का संबंध बादशाह जहांगीर से है। जहांगीर बादशाह बनना चाहता था, लेकिन अकबर के नवरत्नों ने उसका विरोध किया तो उसने अब्दुल रहीम खाने खाना के दो बेटों की हत्या करवाकर उनकी लाशें इसी दरवाजे पर लटकवा दी। दूसरी कहानी हमें 10 सितंबर 1659 में ले जाती है, जब औरंगजेब ने दिल्ली का सिंहासन हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी और बड़ी निर्दयता पूर्वक इसी दरवाजे पर लटकवा दिया गया। सन 1739 का साल भी कौन भूल सकता है, जब क्रूर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, कत्लेआम मचा दिया। खूनी दरवाजे के पास भी बहुत रक्त बहा, न जाने कितनी लाशें इस दरवाजे के आसपास पड़ी हुई थी। खून के छींटों से ये दरवाजा और भी लाल हो गया। अभी रहस्य का सफर पूरा नहीं हुआ है। अभी तो दिल्ली के तीन शहजादों की हत्या की कहानी बाकी है। थोड़ा इस दरवाजे के इतिहास के बारे में जान लें आप। इस दरवाजे को शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पास ही काबुली बाजार था। अफगानिस्तान से आने वाले लोग इसी दरवाजे से गुजरते थे, इसलिए इसका नाम काबुली दरवाजा प्रचलित हो गया। लाल पत्थर से बने इस दरवाजे में तीन मंजिलें हैं, जहां सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आप देख रहे हैं दाईं और बाईं ओर ऊपर की मंजिलों पर जाने वाले दरवाजे बंद हैं। अब मैं आपको इस दरवाजे से जुड़ी सबसे खौफनाक कहानी सुनाता हूं, जिसके कारण इसे खूनी दरवाजा कहा गया। इसके लिए हमें 22 सितंबर 1857 में लौटना होगा। अंग्रेज दिल्ली हथियाना चाहते थे। बहादुर शाह जफर ने अपने तीनों शहजादों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, लेकिन अंग्रेजों को इस जगह के बारे में पता चल गया
इसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों शहजादों को भी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया और कहा गया कि उन्हें दिल्ली के लाल किले में रखा जाएगा, वहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और यदि विद्रोह सिद्ध नहीं हुआ तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जब जनरल विलियम हडसन तीनों शहजादों को लाल किले की तरफ लेकर जा रहे थे तो देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। हडसन ने इस भय से कि कहीं भीड़ शहजादों को मुक्त न करवा ले, इसी खूनी दरवाजे के पास शहजादों के ऊपरी वस्त्र उतरवाए गए और एक एक कर तीनों को गोली से मार दिया गया और लाशों को कोतवाली भिजवा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि शहजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर की अकाल मृत्यु के कारण उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों का मानना है कि रात को यह दरवाज़ा और भी रहस्यमय हो जाता है। जो लोग यहाँ अकाल मृत्यु के शिकार हुए उनके रोने चीखने की आवाज़ें यहाँ सुनाई पड़ती हैं। डर के कारण यहाँ सन्नाटा छा जाता है। आखिर अकाल मृत्यु क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई भूख से पीड़ित होकर हत्या किए जाने पर फांसी लगाकर जहर खाकर आग से जलकर जल में डूबकर या सांप के काटने से या फिर अचानक दुर्घटना में मर जाए तो उन्हें अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। अकाल मृत्यु के कारण जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। पुरुष की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह प्रेत, ब्रह्म राक्षस या वैताल बनकर भटकता है और औरत चुड़ैल बनकर भटकती है। मेरा मानना है कि ये तो सिर्फ कहानी किस्से हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, सामने लिखा है इस दरवाजे को प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1978 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इस दरवाजे को देखने के लिए पर्यटक सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं। भटकती आत्माओं के कारण इसे दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। दोस्तों, मैं दिल्ली के मालचा महल, भूली भटियारी महल, उग्रसेन की बावली और फिरोज शाह कोटला किले आदि हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप उन्हें भी अवश्य देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि लोगों को पता लगे दिल वालों के शहर दिल्ली में कुछ भूतिया स्थान भी हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्दी ही काश्मीरी गेट की कब्रिस्तान, सिविल लाइंस की खूनी झील और रोहिणी की खूनी नदी आदि हॉन्टेड प्लेसेस के वीडियो अपलोड करूंगा। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी किसी और रहस्यमय, रोमांचित कर देने वाले वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड Enjoy yourself.